कि मुझे अधिकार दे दो कि मैं और बाल लूट सकूं, मैं और बाल लूट सकूं। अधिकार क्या? अधिकार का मतलब क्या है? अरे जिस अधिकार से 15 साल हमने हुकूमत चलाई, जिस अधिकार से अभी हम बात करते हैं, दिल्ली में पासपोर्ट रहित मिनिस्टर रहते हुए मेट्रो की नींव डाल दी, जिस अधिकार से अभी मां करने 2600 शर्तों को एक मिनट में नोटिफाई करवा दिया, आज वो कहते हैं हमारे पास अधिकार ही नहीं है। कोई 7 दिन लगा दिए राजनिवास में, केजरीवाल जी सिर्फ 7 घंटे राजनिवास में सीलिंग रुकवाने के लिए बैठ जाओ, वरना एक बात सुन लेना, जिस दिन अजय माकन तुम्हारे घर में घुसेगा उसकी बात बाहर नहीं निकलेगा जब तक सीलिंग नहीं रुकेगी। ये भी हम आपको कहना चाहते हैं, गैर कानूनी सीलिंग बंद करो, गैर कानूनी सीलिंग बंद करो, कह देता है आदमी ठीक हूं लेकिन ठीक नहीं है। एक भी घर हमारे श्रीनगर का ठीक नहीं है, एक भी घर हमारे रामपुरा जोरबाग सकुरपुर पीतमपुरा का ठीक नहीं है। लोगों में दर्द है, लोगों में पीड़ा है, लोगों में ऐसा एहसास है कि कहां जाऊं, कैसे अपने गुजर बसर के लिए। मेरी माताएं पहले बैठी है यहाँ, अपने घर का काम छोड़कर हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या 10 साल 15 साल जब कांग्रेस का शासन प्रशासन रहा, जब श्री सज्जन कुमार जी हमारे नेता के रूप में शासक के रूप में रहे, अजय माकन जी हमारे मंत्री के रूप में रहे और आपका एक छोटा भाई आपके विधायक के रूप में रहा, क्या एक भी फैक्ट्री या एक भी घर सील हुआ था? नहीं हुआ। बड़ी अदालत में आपसे पूछना चाहता हूँ क्या किसी को कोई पैसा देना पड़ा था कभी किसी? नहीं। ये रोशन लाल जी बैठे हैं जरा पीवीसी के अध्यक्ष, एक एक सड़क को हमने जा जाकर, स्वर्गीय जय भगवान जी हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय अमृतलाल जी हमारे बीच नहीं है, हमारे ऐसे साथी निकलते थे, हमने सारी सड़कों को आप मिक्स लैंड कमर्शियल में कराया, हमने इंडस्ट्री को, जब मैंने शपथ भी नहीं ली थी मुझे SCM साहब का फोन आया, 18 नंबर 17 नंबर 16 नंबर 16 17 15 इन 11 गलियों तक आपके यहाँ सीलिंग हो रही है, इन्फॉर्मेशन के रूप में कहा था। मैं उनसे पूछता रह गया, बोले कि नहीं मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बता ही सकता हूँ। मैं कहा किस लिए सीलिंग हो रही है? कि हाई कोर्ट का, हमने कभी कोर्ट के निर्देश किए, हमने कभी ये नहीं कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कोई प्रदूषित इंडस्ट्री चले, लेकिन वो सीलिंग आदरणीय सज्जन कुमार जी भी सांसद के रूप में थे उस दिन रुकी थी और 2013-14 तक वो सीलिंग कभी आपने खड़ कर दिया। ये हमारा काम था, ये हमारी आपके साथ रिश्ता था, क्या हमने कभी आपके घर तक सीलिंग को डेमोसिल को आने दिया? ये गांव के लोगों का क्या कसूर है? मैं पूछना चाहता हूँ, आज यहाँ गांव के लोग भी बैठे हैं, हमारे रामपुरा जोरबाग सकुरपुर बैरमथा या पीतमपुरा के लोगों का क्या कसूर है? 30-35-40 साल हो गए एक्विजिशन इनकी जमीन का छोटे से बाकी, आज इनके पास छोटे छोटे वो घर जो इनके एक पीढ़ी पहले कभी 200-250-400 गज के थे, बंटवारा हुआ 100-150 गज के रह गए। क्या साधन है आय का, रोजी रोटी कमाने का? क्या साधन है अर्बनाइज गांव के लोगों के पास रोजी रोटी कमाने का? छोटी छोटी कमर्शियल मिक्स लैंड सड़कों पर, लघु उद्योग कटुर उद्योग जो गैर प्रदूषित है उसके द्वारा कोई अपनी दाल रोटी अपने परिवार का गुजारा कर रहा है, लेकिन उसके नाम पर आज गैर कानूनी सीलिंग हम देखो। मैं घूम रहा हूं आपके बीच, वो दर्द मैं जानता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने हमें इतना बड़ा रिलीफ 2021 के मास्टर प्लान में दिया था, आपने उसमें एक एक प्रोविजन दिया था, क्या दिक्कत है? अभी मुकेश शर्मा जी पूछ रहे थे कि जो ट्रेड आपने ए कैटेगरी में 112 ट्रेड रखी थी और गांव आबादी के लिए स्पेशल लॉ और ट्रेड रखी थी A1 कैटेगरी, उनको आगे बढ़ाने क्या दिक्कत है? ऐसे काम जो गैर प्रदूषित है जहां जगह खाली हो गई, पूछना चाहता हूं उन मकानों में सीलिंग के लिए क्यों? हम आपके दर्द के सहयोगी है, हम उस दर्द को अपने दिल में पाले हुए हैं, मन में पूछ नहीं सकते आप क्या हाल हमें पता। और इस न्याय युद्ध से आपका समर्थन और सहयोग जिस तरह से मिल रहा है, निश्चित तौर से इस न्याय युद्ध से रास्ता निकलेगा अजय माकन जी के नेतृत्व में निकलेगा। हम बोल सकते नहीं है, हमारे लोग पीड़ा दर्द से करा रहे हो,
सरकार का एक नुमाइंदा आज तक ना बीच में आया ना बोला कभी दोनों सरकारों का। कहां चले गए वो सातों सांसद हमारे दूर, कहां चले गए हमारे संसद विधायक? लोगों का दर्द तो रिश्ता भी नहीं। बहुत बड़ी बड़ी बातें सरकार में आने से पहले करते थे, कहां गए वो लोग? भारत सरकार से हम कहना चाहते हैं 2 करोड़ रोजगार दोगे? अरे हमारे श्रीनगर और रामपुरा ये गांव तो छोटे छोटे टिनी मिनी हाउस इंडस्ट्री जो नवन क्वालिटी है उससे चलते हैं, छोटे दुकानदारों से चलते हैं। इनके सेक्ट अपने 30-35 साल 25 साल 40 साल के रोजी रोटी को क्यों जा रही है? चंदूरी पर वो मकान है जहां उस मजदूर ने जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आता था, बिहार पूर्वांचल यूपी राजस्थान मध्य प्रदेश जहां से लोग रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली में आते हैं।